हाय फ्रेंड, मैं अनिरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टिप टॉप टॉप में आपका स्वागत है। ये देखिए जो मैच है यू मुंबई वर्सेस गुजरात फॉर्चून जॉइंट्स का जो मैच है, मैच नंबर 94 प्रो कबड्डी लीग 2018 का ये मैच है। ठीक है, इसमें जो भी टीमें हैं मैं उसका प्रीव्यू दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये 11:30 मतलब 11:30 घंटे पहले मैं प्रीव्यू बता रहा हूँ। इसमें जो भी चेंजेज आएंगे आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और टीम में शामिल हो जाइए। अगर आपको पेड टीम चाहिए तो आप हमें इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक ड्रीम इलेवन के बारे में या ड्रीम इलेवन की टीम देने से पहले मैं एक दूसरे ऐप्स की ओर ले चलूँगा, हाला प्ले, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं उससे काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर रहा हूँ। जो देखिए कि मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कैसे आप इसमें टीम जब क्रिएट करेंगे जिस यू मुंबई और गुजरात फॉर्चून जॉइंट्स के हैं तो कितनी दिक्कतें आती हैं प्लेयर्स को लेकर, जबकि हाला प्ले में ऐसा कोई बात नहीं है, इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं जितनी ड्रीम इलेवन में आती हैं। और मैं बताऊंगा कि तीन चार चीज़ें जो जो सबसे मेन चीज़ें हैं हाला प्ले और ड्रीम इलेवन में, मैं उसके अंतर बताऊँगा क्योंकि हाला प्ले और देखिए इस प्रकार से इसका फ्रंट ओपन होगा। और आपको बता दूँ कैसे आप इसमें लॉगिन होंगे, आप पहले जाएंगे, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रेफरल लिंक मिल जाएगा, ये हमारा रेफरल लिंक है, इसे जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको मिलेगा 100 रुपये का बोनस। प्लीज़ आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन अभी नहीं है, पैसे काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। मैं काफ़ी कुछ ही दिनों में इतना पैसा अर्न किया हूँ जैसे कि मैं आपको दिखा दूँगा, और इसमें 1 रुपये मैं ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको लिंक मिलेगा, लिंक में ज्वाइन होकर कर लीजिए। अगर आप लिंक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 1 भी रुपये नहीं मिलेंगे, अगर करते हैं तो 100 रुपये का आपको बोनस मिलेगा। चलिए, जो चार फायदे हैं ड्रीम इलेवन के, मैं उन चार चीज़ों को कंपेरिजन करता हूँ हाला प्ले से, और हाला प्ले में क्या फ़ायदे हैं मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को एक लाइन से, वीडियो को पॉज फॉरवर्ड मत कीजिएगा, मुझे सिर्फ 8 मिनट अब टाइम दीजिए, मैं 8 मिनट में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो पहली चीज़ें हैं जैसे कि आप ड्रीम इलेवन की टीम जब भी करते हैं क्रिएट करते हैं तो आप देखते हैं कि ड्रीम इलेवन की टीम 1.5 घंटे पहले लॉक हो जाती है, जबकि हाला प्ले में ऐसा नहीं है। हाला प्ले की टीमें 8:30 बजे का मैच है तो 7:57-58 मिनट पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि ड्रीम इलेवन में जब भी पैसे ऐड करेंगे आपको बोनस नहीं मिलता है, या मिलता है तो शायद कभी कभी मिल जाए, बाकी हाला प्ले में ऐसा नहीं है, जब भी ऐड करेंगे आपको हमेशा बोनस उसमें मिलता रहता है। ठीक है, ये थी दूसरी चीज़ें। तीसरी चीज़ें जैसे कि आप ड्रीम इलेवन की टीम को जैसे कि मेंटेन करेंगे, मतलब क्रेडिट हाई रहता है ड्रीम इलेवन में, जबकि हाला प्ले में ऐसा नहीं है, आप आसानी से सभी प्लेयर्स को कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं, बाकी ड्रीम इलेवन में इतना वो नहीं होता है। अभी आपको वीडियो क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा कितनी समस्याएं होती हैं ड्रीम इलेवन में। और चौथी चीज़ें हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन में वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों चूज करना पड़ता है, बाकी इसमें नहीं है हाला प्ले में, हाला प्ले में सिर्फ आपको कैप्टन चूज करना पड़ता है। ये थी चार चीज़ें, मैं आपको चारों चीज़ बता दिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो यदि लंबी हो जाती है इसलिए मैं हाला प्ले और ड्रीम इलेवन की टीम दोनों एक साथ देता हूं, क्योंकि ज़्यादा वो न रह जाए टीम चूज करने में, और मैं आपको एक रैंडमली टीम क्रिएट कर देता हूं। अगर इसमें जो भी चेंजेज आएंगे, देखिए यहाँ पर जाएंगे माई टीम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए टीम आ गया, आप यहाँ से टीम को क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से टीम क्रिएट कर लेंगे, कोई इसमें परेशानी नहीं होती है। आप देख सकते हैं मैं जितने 23 टीम क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं क्योंकि जो भी इसमें दिक्कतें हैं आप लोग को, ठीक है, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए मैंने ये टीम क्रिएट कर लिया है और आपको ये बता दूं, देखिए इसमें जो भी खिलाड़ी चेंजेज होंगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ज़्यादा परेशानी मत रहिएगा कि हम ये खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, तो इसमें ज़्यादा वो दिक्कतें नहीं रहेंगी। देखिए मैं टीम क्रिएट कर रहा हूँ, एक खिलाड़ी चाहिए हमको सिर्फ, यहाँ से एक खिलाड़ी मांग रहा है, मैंने ज़्यादा खिलाड़ी मुंबई के इतना ले लिए हैं। और मुझे बस सिर्फ 5-8 मिनट टाइम दीजिए, मैं सारे टीमों को यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा, आपकी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
ये मैंने टीम क्रिएट कर दिया, इसमें देखिए बस क्लिक कैप्टन मैंने सिद्धार्थ देसाई को रख लिया है। अब इसके बाद ज्वाइन दिस लीग आएगा तो आपको करना नहीं है, जब करना होगा तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये थी टीम हाला प्ले की, और मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम ले चलता हूँ। देखिए अब ड्रीम इलेवन की टीम का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि डेली डेली आपको मिलती रहे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 8 मिनट की हो जाएगी, आप परेशान मत होइएगा, मैं बहुत तेज़ी से टीम आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो आप ही के लिए अपलोड की जाती है। यह प्रो कबड्डी लीग का 93वां मैच है। देखिए इसमें मैंने 3 डिफेंडर को लिया है, सुरेंद्र को लिया है, सचिन मिटाला को लिया है और रोहित राणा को लिया है। ये 3 खिलाड़ी मैंने चूज किए हैं। अगर हमारे पास क्रेडिट रहता, देखो मेरे पास क्रेडिट रहता तो प्रवेश फजल अंतरचली को मैं टीम में ज़रूर रखता, अगर ऋतुराज को नहीं रखता वैसे फजल और को टीम में रखता। अगर क्रेडिट मेंटेन कर सकते हैं तो आप 3 प्लेयर के लेकर टीम मेंटेन कर सके, ये आपके लिए की प्लेयर्स भी हो सकते हैं। इसमें देखिए आपके लिए 3-2 प्लेयर्स सबसे बहुत अहम प्लेयर हैं ऑलराउंडर में, एक अभिषेक हैं, एक सुनील कुमार हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। आप तीनों को रख के टीम, देखिए सब्सिट्यूट ग्रुप में विनोद आ जाते हैं, बाकी ये दोनों टीम में खेलेंगे, आप दोनों में से दोनों को टीम में रख सकते हैं, क्रेडिट मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुनील और अभिषेक में से आप दोनों को लेकर टीम क्रिएट कर लीजिए। देखिए आपको लिए, आपको लिए मेन रीडर की बात करते हैं। देखिए मेन रीडर में सिद्धार्थ देसाई, सचिन, के प्रपंजन और रोहित बलियान, मैं इन 4 खिलाड़ियों में से आप कहूँगा आप 3 को जरूर रख लीजिए। इसमें के प्रपंजन, रोहित बलियान में से किसी को रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सोचते आप सचिन और सिद्धार्थ को टीम में रखिए, अगर चाहें तो बलियान को जगह के प्रपंजन को ही टीम में रखिए, मैं यही सलाह करूँगा। क्रेडिट मेंटेन कर पाता तो मैं ज़रूर इनको रखवाऊँगा। ये थे आपके लिए रीडर। अब देखिए मैं वाइस कैप्टन, कैप्टन की ओर ले चलता हूँ। वाइस कैप्टन, कैप्टन में देखिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, आप किसी को भी टीम में रख सकते हैं वाइस कैप्टन के रूप में। एज ए कैप्टन मैं सिद्धार्थ देसाई को ही चूज करूँगा। ठीक है, तो आप सिद्धार्थ देसाई को कैप्टन रख सकते हैं, कैप्टन सचिन को भी आप टीम में रख सकते हैं। और वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन में भी ये 3-4 ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप तीनों में से किसी एक को टीम में रख लीजिए, क्योंकि रीडर को बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि डेली डेली आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आपको फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये फाइनल प्रीव्यू है, इसमें जो भी खिलाड़ी चेंजेज आएंगे ठीक है उसका मैं आपको दूसरी एक प्रीव्यू दूंगा। देखिए यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि एक अभिषेक को रिमूव करके यहाँ से कोई गुजरात फॉर्चून जॉयंट्स का एक जो सुनील कुमार है उनको मैं कैसे भी करके टीम में ज़रूर रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे टीम की संख्या भी ज़्यादा हो गई है और अभिषेक उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जितना सुनील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टीम रेंडमली क्रिएट कर दिया है, इसमें जो भी चेंजेज आएंगे आपको मैं बता दूंगा। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं नीरज सिंह फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।